नवलगढ़ में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत वार्ड नंबर 1, 2, 3 व 9 का शिविर आयोजित हुआ। शिविर में जन समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया। विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने शिविर में खुद आमजन की समस्याएं सुनी। विभागवार अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। शिविर के दौरान डॉक्टर राजकुमार ने आधा दर्जन पट्टों का वितरण किया। इस दौरान चेयरमैन शोएब खत्री, पालिका उपाध्यक्ष कैलाश चोटिया आदि कई मौजूद रहे। वहीं प्रशासन गाँवों के संग अभियान के तहत बड़ावासी गाँव में सेठ शिवदत्त राय ज्वाला प्रसाद मुरारका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिविर का आयोजन हुआ। विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने शिविर में आमजन की समस्याएं सुनी। विधायक ने बताया कि बड़वासी में नया जीएसएस, बड़वासी में 5 नई लाइटें, बड़वासी से जुड़े आधा दर्जन मिसिंग लिंक सड़कों का विकास, बड़वासी स्कूल में विद्यार्थियों के फर्नीचर के लिए 2 लाख रुपए स्वीकृत, बड़वासी से महापुरुष मंदिर होते हुए कोलसिया तक 1.12 करोड़ रुपए की लागत से सड़क आदि विकास कार्य की जानकारी दी। सरपंच प्रकाश देवी विजेंद्र दूत ने स्वागत किया। शिविर में 20 भूखंड पट्टों का वितरण किया गया। जिला कलेक्टर उमरदीन खान ने नरहड़ ग्राम पंचायत, सूरजगढ़ नगर पालिका, बुहाना पंचायत समिति के सुल्ताना अहिरान और सिंघाना पंचायत समिति के शाहपुरा ग्राम पंचायत में चल रहे शिविर का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने सभी विभागों की डेस्क का निरीक्षण करते हुए उपस्थित कर्मचारियों और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि आमजन को इन शिविरों का पूरा लाभ मिले। सूरजगढ़ नगर पालिका के वार्षिक निरीक्षण के दौरान नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी सुमेर सिंह शोरान और नगर पालिका की चेयरपर्सन पुष्पा देवी गुप्ता ने कनिष्ठ अभियंता नहीं होने की वजह से कार्य रुके होने की समस्या जिला कलेक्टर उमरदीन खान के सामने रखी, जिस पर जिला कलेक्टर ने इसका जल्द से जल्द समाधान करने की बात कही है। चिड़ावा उपखंड मुख्यालय पे भाजपा युवा मोर्चा व भाजपा कार्यकर्ताओं ने रीट परीक्षा में धांधली के विरुद्ध जिला अध्यक्ष जयसिंह माठ के नेतृत्व में उपखंड मुख्यालय पे विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के इस्तीफे को बर्खास्त करने की मांग सहित रीट परीक्षा की सीबीआई जाँच की मांग को लेकर रैली निकालकर प्रदर्शन किया। रैली विवेकानंद चौक से शुरू होकर उपखंड कार्यालय पहुंची, जहां पर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। राजस्व सेवा परिषद के तत्वाधान में धरना व अनशन तीसरे दिन भी जारी रहा। राजस्व सेवा परिषद के तत्वाधान में परिषद के तीनों घटकों तहसीलदार संघ, गिरदावर संघ व पटवार संघ उप शाखा खेतड़ी के संयुक्त तत्वाधान में सोमवार को तीसरे दिन भी नायब तहसीलदार विवेक कटारिया की अध्यक्षता में उपखंड अधिकारी कार्यालय के समक्ष कार्मिक अनशन व धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। पटवार संघ के अध्यक्ष मदनलाल दोराता ने बताया कि परिषद के प्रांतीय संगठन के आह्वान पर 7 सूत्रीय मांगों के समर्थन में चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है। हमारी 7 सूत्रीय मांगों पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए प्रशासन गांवों के संघ एवं शहरों के संघ कैंपों का संपूर्ण कार्यों का बहिष्कार किया गया है। धरने पर आज राकेश कुमार, बलबीर सिंह, नंदलाल, गुलजारी लाल, सुनील अनशन पर बैठे हैं। एसडीएम ऑफिस केतड़ी के सामने राजस्व सेवा परिषद के हम सभी सदस्य, कार्यालय तहसीलदार केतड़ी के सभी कार्मिक यहाँ पे उपस्थित होकर के धरना और हड़ताल कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो जायज़ मांगे हैं वो भी अभी सरकार के द्वारा नहीं मानी गई हैं। इसलिए राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के द्वारा इस हड़ताल को अनिश्चितकाल तक के लिए बढ़ाया गया है, जब तक कि हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं। इसीलिए हमारी सरकार से अनुरोध है, विनय है कि वो हमारी मांगों को सहृदयता से सुने और इस हड़ताल को ख़त्म करवाने के लिए हमारी जो जायज़ मांगे हैं उनको जल्दी से जल्दी मानें।